वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं, जो क्यूरियोसिटी होती है आपके दिमाग में, जो चिंताएं चल रही होती हैं, आप सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, या कुछ चीज़ें जानना तो चाहते हैं लेकिन टाइम के अभाव में आप लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा ही एक पॉइंट लेके आए हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए कि होता क्या है, जब हम मार्केट में कोई बाइक खरीदने जाते हैं, ठीक है, बाइक मोटरसाइकिल खरीदने गए, तो हम क्या कहते हैं, भाई पेट्रोल वाली बाइक चाहिए कि डीजल वाली बाइक चाहिए, गियर वाली चाहिए, ठीक है, या बिना गियर वाले चाहिए, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट चाहिए या मैनुअल स्टार्ट चाहिए, किक वाले स्टार्ट चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम एसी खरीदने जाते हैं, ठीक है, क्या खरीदने जाते हैं, एसी, ठीक है, तो मार्केट से जब एसी खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई एक टन की ले लो, डेढ़ टन की ले लो, दो टन की ले लो या आधे टन की ले लो, इतनी हमारे लिए पर्याप्त रहेगी, ठीक है। तो ये टन क्या होता है, ठीक है, टन क्या होता है, आमतौर पर हम टन नॉर्मल लोग क्या जानते हैं, ठीक है, जनरल पीपल क्या जानते हैं आज की डेट में, टन क्या होता है, मतलब 1000 किलो को एक टन बोला जाता है। तो ये क्या एसी टन में आती, किलो के हिसाब से आती है क्या ये, ठीक है। तो ये पॉइंट है जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं यार। तो ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ठीक है, तो एक टन की एसी से क्या मतलब है, डेढ़ टन की एसी है या दो टन की एसी है, तो इससे हमारा क्या मीनिंग निकलता है, तो वो पॉइंट हम क्लियर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये टन नहीं होता है, एक्चुअली केवल टन नहीं है, ये क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको हम नॉर्मली टन कह देते हैं, ठीक है, कितने टन की एसी ले आओ, ठीक है। तो एक्चुअली वो टन नहीं होता, क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि टीआर होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं इसको, देखिए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, जो घरों में एसी होती है, जो फ्रिज होती है, ठीक है, तो इन एसी से हम चाहते क्या है कि वो क्या करे, कूलिंग करे, ठंडा करे, ठीक है भाई। एसी से क्या चाहते हैं हम, कूलिंग करे, ठंडा करे, कमरे को ठंडा रखे, जिससे इंसान को गर्मियों के दिनों में काम करने में दिक्कत ना हो, कंफर्ट महसूस हो, आराम महसूस हो, ठीक है। तो ये देखते हैं कि भाई कूलिंग कैसे करती है, और कूलिंग करती है तो भाई वो टन से क्या लेना देना है उसका, ठीक है। तो देखिए, जो ये कूलिंग करती है, ठंडा करती है, उसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन। ये जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, इसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन। टेक्निकल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, ये जो कूलिंग, ये जो ठंडक मिल रही है आपको, ठंडापन जो मिलता है, तो साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन, यानी ठंडा हो रहा है चीजें, ये इफेक्ट जो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन वर्ड का मीनिंग आप समझ गए होंगे, आप टन के मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, जिस तरह से किसी भी चीज की परफॉर्मेंस नापने के लिए, या उसके जैसे हम क्या करते हैं, भाई उसने आपको क्या क्या घूसा मारा, कितने न्यूटन फोर्स लगाया, तो कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, या ये भाई ये सब्जी है तो कितने किलो सब्जी हुई, तो उनके नापने की कोई ना कोई यूनिट हुआ करती है। ऐसे इस रेफ्रिजरेशन को, भाई कूलिंग हुई तो कितना ठंडा हुआ, यानी रेफ्रिजरेशन हुआ तो कितना ठंडा हुआ, ठीक है। तो उस ठंडक को नापने के लिए, उस कूलिंग को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, जिसका नाम है टीआर, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी इस ठंडक को, इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को नापने के लिए जो यूनिट बनी है, उसी का नाम है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर, जिसको हम आराम से लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टन बोल देते हैं। तो ये क्या होती है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हुआ करती है, बस, ठीक। अब देखिए, यूनिट तो है, तो भाई नापेंगे कैसे कितना, ठीक है, तो अब नापेंगे कैसे, है क्या ये, कितनी कूलिंग की, ठंडक को नापेंगे कैसे, तो देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि कूलिंग, जिसको लोकल लैंग्वेज के लिए समझने के लिए मैंने लिख दिया है कूलिंग, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, कूलिंग, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ कूलिंग कह सकते हैं आप, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उसकी मात्रा है, अमाउंट है किसका, जो कूलिंग हो रही है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, उसकी मात्रा है, प्रोड्यूस्ड बाई, और किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो कि प्रोड्यूस की जाती है कूलिंग, किसके द्वारा, प्रोड्यूस बाई यूनिफॉर्म मेल्टिंग, यूनिफॉर्म मतलब सभी तरह से, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे क्या हुआ, ये हाथ है आपका, ठीक है, एक हाथ की उंगली बड़ी है, दूसरे हाथ की उंगली छोटी है, तो ऐसा नहीं होता, दोनों हाथ की उंगली क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसी होती है। तो कूलिंग हो रही है तो सब जगह एक जैसी हो, गर्मी हो रही तो एक जैसी हो, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी ये कूलिंग का प्रभाव है, कूलिंग है जो कि प्रोड्यूस की जाती है, जो कि उत्पन्न की जाती है, यानी ये कूलिंग है, ठीक है, ठंडक है जो हो रही है, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग, ये ठंडक कहां से पैदा की जा रही है, जो कि पैदा की जा रही है कहां से, मेल्टिंग ऑफ, मेल्टिंग मतलब पिघलना, ठीक है, पिघलना कौन चीज, वन टन ऑफ आइस, यानी एक टन आइस, यानी एक टन आइस मैंने ले लिया, एक मैं टुकड़ा लेके आया, ये कितने का है, वन टन का, बर्फ का टुकड़ा है, वन टन आइस, ठीक है, एक आइस लेके आया वन टन की, कितने टुकड़ा है, वन टन, ठीक है, ये टुकड़ा है किसका, आइस का, बर्फ का एक टुकड़ा मैं लेके आया, वन टन ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स, ठीक है। तो ये वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है
जो एक टन बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है, ठीक है, ये टुकड़ा भाई कब पिघलेगा? खुद सोचो, बर्फ है, बर्फ कब पिघलेगी, कब मेल्ट होगी? जब आप उसको गर्मी दोगे, हीट दोगे। आप क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लेके आओ, आप अपने माथे पे लगाओ, ठीक है, तो क्या होगा, आपके माथे को लगेगा ठंडक, ठंडक लगेगी वहां पे, और बर्फ क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की उष्मा, आपके शरीर की हीट बर्फ को मिली, यानी इस आइस को जब हीट मिलेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए, तो यानी उतनी ठंडक जितनी, कितनी ठंडक, उतना कूलिंग इफेक्ट, उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उतनी ठंडक जो कि एक टन का बर्फ का टुकड़ा अगर लिया जाए उसके पिघलने से, ठीक है। तो भाई देखो, इसको जब क्यू दोगे, हीट दोगे, आप हीट को मैंने क्यू से डिनोट किया है, तो इसको जब हीट दोगे तब पिघलेगा, ठीक है। अभी कितने पे ताए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एक टन आइस का टुकड़ा जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो पिघल जाए, मेल्ट हो, ठीक है, पिघल जाए, किस में बदल जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा है, टन ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, कहां से, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघले एंड एट, और कब, कहां तक पिघले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। भाई आप सभी जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है, वो पिघलेगा तो जाहिर सी बात है वाटर ही बनेगा, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यानी आप कह सकते हैं ये एक फेज चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रही है, यानी सॉलिड जो है आइस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है वाटर में, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, तो इसको आप कह सकते हैं ये हो रही है आपकी क्या, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जिसको आप गुप्त ऊष्मा भी कहा करते हैं। तो इस गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एम एल। जब कोई भी फेज चेंज हो रही होती है, अवस्था परिवर्तन हो रही होती है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, अवस्था परिवर्तन के दौरान, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी जब टेम्परेचर चेंज है ही नहीं तो वो तो लगा ही नहीं सकते। तो जब भी अवस्था परिवर्तन होती है तो उसको कहते हैं हम क्या, कि वो हो रहा है आपका लेटेंट हीट कन्वर्ट हो रही है, लेटेंट हीट का, गुप्त ऊष्मा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, अब हिंदी लैंग्वेज में समझ, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर एक टन आइस के टुकड़े को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एक टन आइस के टुकड़े को मैं आपके कमरे में रख दूं, ठीक है, बर्फ का टुकड़े को, और बर्फ का क्या भाई, आप लोग हो, कुछ काम कर रहे हो, कोई मशीन चल रही है, कुछ मोबाइल का चार्जर चल रहा है, तो वहां से क्या हो रही है, उष्मा जनरेट हो रही है, वो उष्मा लेके, ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, आप मूव कर रहे हो, आपके शरीर की उष्मा है, तो वो क्या कर रहा है, बर्फ, ये एक टन आइस का टुकड़ा रूम में जितनी हीट है उसको ले रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, सोखते जा रहा है, और किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वाटर में, और कमरे को क्या कर देगा, वो ठंडा, कमरे को ठंडा कैसे करे, जब कमरे की हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तभी तो आपको ठंडक महसूस होगी, रूम में ठंडक होगी। तो ये आइस का टुकड़ा, एक टन आइस का टुकड़ा पिघल जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदल जाए, तो उस टाइम पे जितनी ठंडक आपको महसूस होगी, जितनी कूलिंग आपको महसूस होगी, उसी को कहा जाएगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ में आई बात, ठीक है, यानी एक टन आइस का टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलने तक जितनी उष्मा, जितनी ठंडक उत्पन्न करेगा, ठीक है, जितनी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न करेगा, उस कूलिंग को, उस कूलिंग के अमाउंट को, उस कूलिंग की मात्रा को, उस ठंडक की मात्रा को कहा जाएगा, उस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की मात्रा को कहा जाएगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो ये तो आपने फील किया, एक टन आइस का टुकड़ा ला के कमरे में रख लो, और जितनी ठंडक उत्पन्न करेगा वो, उतनी अमाउंट की ठंडक को कहा जाता है 1 टन, ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपने समझा। अब देखिए भाई, वो तो कह दिया, फिजिकली तो आप फील कर रहे हैं उसको, चीज को, अब उसकी भाई कोई क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, ताकि कैलकुलेशन भी तो आसान हो पाए, तो उसको समझने के लिए देखिए क्या होता है, क्यू बराबर एम एल, ठीक, और ये भी लिखा है कितने घंटे में, 24 घंटे में, यानी एक दिन के अंदर अंदर, उसने टाइम भी निर्धारित कर दिया कि भाई ये काम 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, इन 24 आवर्स। तो अब देखिए क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं क्यू उष्मा की मात्रा क्या होती है, जूल होती है, किलो जूल होती है, ठीक। तो देखिए क्यू इज इक्वल टू एम कितना है, अब देखिए यहां पे टन का भी बड़ा बड़ा खेला है, बहुत बड़ा खेला है टन का, ये जो टन है, ठीक है, तो हमारी नजर में क्या है, अक्सर हम क्या समझते हैं, 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो हमारी नजर में क्या है, एक टन क्या होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है एक टन, ठीक है, इंडिया की बात करें तो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है एक टन। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन दी गई है इंडिया ने नहीं दी है, ये यूएस से निकली जनरेट हुई डेफिनेशन है, तो उनके यहां
तो यूएस वालों के यहाँ क्या डेफिनेशन चला करती थी, तो यूएस वालों का जो एक टन हुआ करता है, तो आप जान लीजिए यहाँ पे जो टन इस्तेमाल हुआ वो वन यूएस टन है, वो क्या है, वन यूएस टन। और वन यूएस टन जो होता है वो लगभग इक्वल होता है किसके, 907 किलोग्राम के इक्वल। पॉइंट में भी कुछ वैल्यू होती है, 907 पॉइंट समथिंग, 18 या 16 समथिंग कुछ होता है एग्जैक्टली ठीक है। तो वन यूएस टन वहां पे अमेरिका का यूएस का जो टन होता है वो 907 किलोग्राम के बराबर होता है ठीक है। अब ये समझिए, तो यहाँ पे वन टन ऑफ आइस अगर कहा जा रहा है तो आप 1000 किलोग्राम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो तो ये रख सकते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन बनी है उसके अकॉर्डिंग तो वो यूएस टन का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पे कितनी होती है, 907 किलोग्राम ठीक। अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं, क्यू बराबर एम एल, तो यहां पर रखूंगा 907 किलोग्राम इंटू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम ठीक है, और 907 हो गया किलोग्राम आपका, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, वो कितनी होती है, 335 किलो जूल पर किलोग्राम होती है ठीक है। ये डाटा है ठीक है, आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो ये क्या है, 335 होती है। अब देखिए कितनी वैल्यू आई, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई है भाई ठीक है, 907 इंटू 335 किलो जूल ठीक है। तो इतनी ठंडक करता है, लेकिन उसमें एक चीज और दी है क्या, 24 घंटे में ठीक है, क्या है, 24 घंटे में, तो इतनी हीट रिलीज हो रही है लेकिन कितने टाइम में, तो अब क्या करेंगे हम, हीट ट्रांसफर का रेट यानी टाइम से डिवाइड करेंगे 24 घंटे ठीक है। तो अब ये किस में आ जाएगा क्यू, तो ये आ जाएगा देखो 907 इंटू 335 डिवाइड बाई 24 घंटे, तो 24 घंटे से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया किलो जूल पर आवर, किस में आ गया, किलो जूल पर आवर। अब इसको देखिए, मैं क्या जानता हूं कि भाई किलो जूल पर आवर ये मुझे थोड़ा कम कंफर्टेबल लगता है, हम लोगों को क्या ध्यान आता है, वाट, वाट किलो वाट, ये हमको ध्यान रखता है। तो हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट होती है, मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, फैन होते हैं, कूलर होते हैं, सब किसके होते हैं, वाट में होते हैं, किलो वाट में होते हैं ठीक है। तो हम इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा, किलो जूल पर सेकेंड को बोला जाता है किलो वाट, किलो जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है, किलो वाट। तो मैं इसको यही करने वाला हूं, इसको किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो आइए दोस्तों किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 907 इंटू 335 ठीक, नीचे क्या है 24 क्या है, आवर, आवर को मैं सेकंड में पहले 60 से गुणा की, 60 से मल्टीप्लाई की तो ये मिनट में आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई की तो किस में आ गया, ये सेकंड में। तो ये कैलकुलेशन आप अगर करेंगे तो आप पाएंगे ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 3.51 ठीक है, और आगे 3.51687 समथिंग आएगी ठीक है। तो मोटी मोटी एक वैल्यू मैं बता दे रहा हूं, 3.51 किलो वाट ठीक है, कितना आ गया, 3.51 किलो वाट। अब आप समझिए इस चीज को, इसका मतलब ये हुआ कि वन टन का मतलब क्या है, जो आप मार्केट से एसी लेने जाते हो, वन टन का मतलब है 3.51 किलो वाट, मोटा मोटा दशमलव के आगे तक, डेसिमल के आगे प्लेसेस तक भी ये वैल्यू है, लेकिन आप सिंपल समझिए, वन टन की अगर आप एसी लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब है 3.51, जिसको आप 3.5 ठीक है, क्या कह सकते हैं, 3.5 किलोवाट की एसी भी कह सकते हैं ठीक। तो ये बात हुई क्लियर कि भाई वन टन ठीक है, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू क्या होता है, 3.51 किलो वाट ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो यानी कि एक टन एसी मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो 3.51 3.5 किलो वाट की एसी खरीद के ला रहे हैं आप लोग ठीक है। तो अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, तो एक टन का मतलब क्या है, आधे टन का मतलब है, तो भाई इसको डिवाइड कर लो, आधा कर लो, तो आधे टन के ला रहे तो लगभग 1.75 समथिंग कुछ आ जाएगा ठीक है। तो इतने टन की आप एसी खरीद के लाओ, इतने किलो वाट की आप एसी खरीद के